सवाल नंबर एक, कोरोना संक्रमण को रोकने में BCG का टीका कितना कारगर? ये समझना जरूरी है कि जो जॉन हॉपकिंस का रिसर्च का डेटा आया है वो उन्होंने देखा है कि जहां जहां पे BCG वैक्सीन हुआ है और जो बचपन कई सालों से चला आ रहा है वहां पे COVID-19 के केसेस कम है। अब ये BCG वैक्सीन के कारण है या ये एक्चुअली कॉजल रिलेशनशिप है कि बाय चांस ऐसा हुआ है, ये क्लियर नहीं है कि ये कॉज एंड इफेक्ट है या वैसे ही है कि BCG वैक्सीन देने से ही प्रोटेक्शन हुआ है या और कोई कारण है। लेकिन इसमें कुछ साइंटिफिक डेटा भी है क्योंकि कुछ रिसर्च हुई है जो ये कहती है कि अगर हम BCG वैक्सीन दें तो और कोई वायरल इन्फेक्शन के लिए भी इस वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, COVID-19 के लिए बढ़ेगी नहीं ये इतना क्लियर नहीं है। दूसरा ये समझना जरूरी है कि BCG वैक्सीन सबको एट बर्थ लग जाती है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सारे पॉपुलेशन को BCG वैक्सीन लगी हुई है। सिर्फ ये हो सकता है कि हम ये देखें कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कोविड के एक्सपोजर में ज्यादा आ रहे हैं या हाई रिस्क ग्रुप्स हैं जो बुजुर्ग लोग हैं जिनमें वैक्सीन का असर सो कम हो सकता है, क्या उनको एक और वैक्सीन फिर से लगाएं जो उनको बचपन में लगी थी, फिर से दें जिससे एक बूस्टर इफेक्ट हो सके। इस पे कोई डेटा नहीं है कि इससे BCG दो दफा लगाने से बूस्टर होगा या नहीं, इसलिए हमें क्लियर कट पहले यह सोचना चाहिए कि BCG वैक्सीन किसको हम देना चाह रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को पहले से बचपन से BCG वैक्सीन लग चुकी है, अब ये इशू है कि फिर से दें और किसको दें और इसके कितना फायदा होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि इसके लिए अभी रिसर्च की जरूरत है, प्रोजेक्ट कर सकते हैं जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि एक रिसर्च प्रोटोकॉल की तरह इसको ट्राई कर सकते हैं। सवाल नंबर दो, कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा कितनी असरदार? तो ये समझना है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कितना इफेक्टिव है, अभी तक बहुत ज्यादा इसमें डेटा नहीं है। अगर हम देखें तो दो मेजर स्टडीज हैं, एक चाइना से है और एक फ्रांस से है, जिसने दिखाया है कि पेशेंट्स में जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन देते हैं तो कुछ हद तक वायरल लोड कम हो जाता है और कुछ हद तक हॉस्पिटलाइजेशन में इम्प्रूवमेंट है और कुछ लैब का डेटा भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें स्टडीज नहीं है, गुड क्वालिटी स्टडीज नहीं है। इस पे बहुत चर्चा हुई थी ICMR में और कई एक्सपर्ट्स ने चर्चा की थी कि इसके दिया जाए या ना दिया जाए, और एक रिस्क बेनिफिट एनालिसिस किया था कि इतना डेटा नहीं है लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐसी दवाई है जो हम कई सालों से यूज कर रहे हैं और रिलेटिवली सेफ है, इसलिए यह देखा गया कि ये सोचा गया कि उन लोगों में जिनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा हैं और जिनमें हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं साइड इफेक्ट्स के लिए, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको हम साइड इफेक्ट्स के लिए मॉनिटर कर सकते हैं, या कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के जो क्लोज रिलेटिव्स हैं जिनको हम जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो इनको दवाई हम प्रोफिलैक्सिस पे दे सकते हैं और फिर ये देख सकते हैं कि इनमें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं और कोई दवाई ये दवाई असर कर रही है नहीं। आम जनता के लिए दवाई लेने की कोई जरूरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये भी उनको समझना चाहिए कि इस दवाई के साइड इफेक्ट्स हैं, हर एक दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के भी साइड इफेक्ट्स हैं, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है इससे, जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है उससे हार्ट की जो रिदम है वो अब नॉर्मल हो सकती है, अरिथमिया हो सकता है, इसलिए ये दवाई ऐसे नहीं है कि कोई भी इसको ले सकता है। पेशेंट्स में हम इसको यूज कर रहे हैं और उसके लिए कई ट्रायल्स हो रही हैं, WHO भी एक बहुत बड़ी ट्रायल कर रहा है कि ये जो है पेशेंट्स में जो दाखिल हैं उनमें भी हम ट्राई करके देखें, तो एक प्रोफिलैक्सिस के लिए है जो प्रिवेंशन के लिए हम दे रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स और क्लोज कॉन्टैक्ट्स को, और पेशेंट्स के लिए तो हम जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उसके लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कॉम्बिनेशन के साथ और दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ दे रहे हैं। सवाल नंबर तीन, जो पहले से बीमारियों से ग्रस्त हैं उनके लिए कोरोना कितना खतरनाक है और उन्हें क्या करना चाहिए? तो ये कि अगर हम पूरे दुनिया के आंकड़े देखें तो इसमें ये आता है कि जो मोर्टेलिटी है, जो लोगों की डेथ्स हो रही है, उसमें दो बहुत स्ट्रांग चीजें उभर के आती हैं, एक तो है उम्र और दूसरी है कोमॉर्बिडिटीज। अगर हम इनका देखें जो 50 साल से कम जिनकी उम्र है उसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है और मोर्टेलिटी 1% से भी कम है, 0.5% से भी कम है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सीरियस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं और डेथ रेट भी बढ़ जाता है। उसके साथ अगर हम कोमॉर्बिडिटीज देखें जिसके मतलब हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, फेफड़े आपके कमजोर हैं या आपकी इम्यूनिटी कम है जिसमें HIV भी आ सकता है, तो उसमें जो है इन्फेक्शन जो है ज्यादा सीरियस हो सकता है, आपकी कोमॉर्बिडिटीज में भी
जो है सीरियसनेस हो सकती है, डायबिटीज में शुगर एकदम बढ़ सकती है, या जिनके फेफड़े कमजोर हैं उनकी सांस की तकलीफ एकदम ज्यादा हो सकती है। तो इसके कारण आईसीयू एडमिशन भी इन लोगों में ज्यादा होती है और डेथ रेट भी ज्यादा है। इसलिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन लोगों को हमें स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग स्पेशली जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनको घर से बाहर नहीं जाना, उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सोसाइटी में और लोग जो एनजीओज हैं और वर्कर्स हैं उनके कॉलोनी में, उनको आगे आके उनको हेल्प करनी चाहिए कि अगर उनको कुछ चाहिए तो वो लाके उनके घर तक छोड़ दें और उनको सपोर्ट करें, जिससे उनको बाहर ना जाना पड़े कुछ खरीदने के लिए और एक्सपोज अपने आप से ना हो। तो मैं ये तो परिवार वालों को और सोसाइटी को यही कहूंगा कि कोमॉर्बिडिटीज वालों को और जो जिनकी उम्र ज्यादा है उनका खास ध्यान रखें। सवाल नंबर 4, जिनको टीबी है या पोषण की कमी है उन पर कोरोना का असर ज्यादा है। टीबी के बारे में भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसके लिए भी इंडिया में रिसर्च चल रही है कि एक टीबी रिस्क फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि जो फेफड़े का टीबी होता है तो फेफड़े कुछ हद तक कमजोर हो जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, क्योंकि जहां जहां पे कोविड हुआ है स्पेशली यूरोप में और अमेरिका में, वहां इतने ज्यादा टीबी के केसेस नहीं है कि वो कह पाए कि टीबी है, या जो हम कहते हैं मैल न्यूट्रिशन, जो लोगों की कमजोरी न्यूट्रिशन कम है और वेट कम है, वो भी क्या रिस्क फैक्टर है या नहीं है। इस पे रिसर्च जो है वो हमारे देश से ही होगी और वो की जा रही है। सवाल नंबर 5, स्वस्थ इंसान की इम्यूनिटी की जांच कैसे हो सकती है। का नहीं कि हम ये कहें कि इस व्यक्ति जो बिल्कुल अदरवाइज हेल्दी है कि इसकी इम्यूनिटी ए प्लस है और इसकी इम्यूनिटी ए है या ए माइनस है, क्योंकि ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। पर मैं ये भी एक फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो तो 80 से 90% लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन होगा, कुछ हद तक जुकाम नजला बुखार होगा, और उसके बाद आपके जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाएंगी जो आगे वाले इन्फेक्शन के लिए कुछ प्रोटेक्शन दे सकती है। सवाल नंबर 6, भारत में कम उम्र के लोगों की मौत हो रही है, उसकी वजह क्या है। समझने की जरूरत है कि हमारी जो एज एवरेज एज जनरल पॉपुलेशन की है वो कुछ हद तक कम है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उनमें कोमॉर्बिडिटीज जल्दी उम्र में होती है। हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे पास बहुत ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है। हम ये भी कहते हैं कि हार्ट की डिजीज हमारे इंडियंस में वेस्टर्न के मुकाबले 10 साल पहले हो जाती है। तो इसलिए जो कोमॉर्बिडिटीज का एज ग्रुप है वो हमारे जो है वो अर्लियर है, इसलिए रिस्क फैक्टर्स हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। और जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि और भी रिस्क फैक्टर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूनिक हो, टीबी हो, वजन कम हो, कमजोरी हो, वो भी हो सकते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्र जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन और कोई और फैक्टर्स हैं जिससे उनकी डेथ हो रही है। सवाल नंबर 7, कार या घर में एसी चलाने से कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा है। एसी का चलाने से इसका इतना मतलब नहीं है जितना क्रॉस वेंटिलेशन का है। अगर आपके घर में विंडो एसी लगा है तो आपके जो कमरे में जो हवा है वो आपके ही कमरे में रहेगी और बाहर कहीं नहीं जाएगी, दूसरे कमरे में नहीं जाएगी। इसलिए विंडो एसी है, गाड़ी में एसी है तो वो जो है वो चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल एसी है तो सेंट्रल एसी का मतलब कि सारे कमरों में हवा सर्कुलेट हो रही है, और तब ये डर रहता है कि अगर दूसरे कमरे में या ऑफिस के किसी और हिस्से में कोई खांस रहा है, उसको इन्फेक्शन है, तो एसी के डक्ट से एक कमरे से दूसरे कमरे तक फैल सकती है। अगर विंडो एसी लगा है और वो एक ही कमरे में है और वो घर में ही लगा है तो उसमें कोई एसी चलाने में कोई डरने की बात नहीं है। सेंट्रल एसी का ही इशू है, और ये कई हॉस्पिटल्स में जहां पे पेशेंट्स हम दाखिल कर रहे हैं वो अपना सेंट्रल एसी बंद करके विंडो एसी लगा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और आप जो डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सब पीपीई भी डाल रहे हैं, उसको डाल के इतनी गर्मी में बिना एसी के पेशेंट देखना तो एक और इशू बन जाता है, क्योंकि अंदर से जो डॉक्टर्स पेशेंट्स को देख रहे हैं पसीने पसीने हो जाते हैं उनके। इसलिए विंडो एसी जो है वो बिल्कुल वो यूज कर सकते हैं, उसका एग्जॉस्ट जो है वो अच्छी तरह से बाहर हो जिससे वो एकदम किसी एरिया में ऐसे ना जा रहा हो जहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हो। सवाल नंबर 8, कोरोना वायरस फेफड़ों के साथ दिल पर भी हमला करता है। अगर हम देखें तो जैसे जैसे डेटा आ रहा है कई कंट्री से
तो हमें इस वायरस के बारे में और पता चल रहा है। ये वायरस मेनली निमोनिया तो करता है जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है, और उससे सबसे पहला जो लक्षण है वो यही है कि लोगों की ऑक्सीजन कम होती है। लेकिन हमें यह भी पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट 30% में ये हार्ट को भी असर कर सकता है, मायोकार्डाइटिस भी कर सकता है, जिससे हार्ट की फंक्शनिंग कम हो सकती है और उससे कई दफा पेशेंट्स की सडन डेथ हो जाती है। आपको लगता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ऑक्सीजन पे ही है, और एकदम वो डिट्यूरेट कर जाता है क्योंकि हार्ट की जो पंपिंग है वो एकदम कम हो जाती है। तो ये भी कई देशों में देखा गया है कि कई पेशेंट्स को कार्डियक मॉनिटरिंग करना शुरू से बहुत जरूरी है। दूसरा ये भी आता है कि इसमें कई दफा जो लंग्स में, फेफड़ों में क्लॉटिंग बन जाती है जिससे माइक्रो इन्फार्क्ट हो जाते हैं, और वहां पे ऑक्सीजन की कमी इसलिए होती है कि वहां पे फेफड़े में क्लॉट बन के वो फेफड़ा जो है काम नहीं कर पाता। तो जैसे जैसे हमें इस वायरस के बारे में और पता चल रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये यूनिक, इसके और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। ये इन्फ्लुएंजा की तरह नहीं है कि जो पहले स्वाइन फ्लू होता था वो सिर्फ फेफड़ों में ही ज्यादातर असर करता था, ये वायरस जो है ये शरीर के कई और हिस्सों में भी असर कर सकता है। सवाल नंबर 9, दूसरी बीमारियों के मरीज क्या करें? इन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, वो अपना स्पेशली ध्यान रखें, और स्पेशली जिनकी उम्र ज्यादा है। और दूसरा, अपनी कोमॉर्बिडिटीज को आप प्रॉपरली कंट्रोल करें। अगर आपके ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को चेक करा के देखें कि वो ठीक है, उसके लिए दवाई रेगुलरली लें, अपनी हार्ट की दवाई ना छोड़ें या कम करें। अगर शुगर की बीमारी है तो अपने शुगर रेगुलरली टेस्ट करा के उसकी दवाई पूरी रखें। अपनी कोमॉर्बिडिटीज को अच्छे कंट्रोल में रखें, और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग को अग्रेसिवली करें जिससे आपको कहीं एक्सपोजर ना हो। सवाल नंबर 10, कोरोना का संक्रमण हवा में फैलता है। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी रही है और साइंटिस्ट का भी अलग अलग विचार है। ज्यादातर जो डेटा सजेस्ट करता है वो यही सजेस्ट करता है कि ये मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, क्योंकि जो कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स हैं वो उनका जो डायमेंशन है या डायमीटर है वो ज्यादा होता है, और वो ज्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं कर सकते और एकदम जमीन पे या किसी सर्फेस पे सेटल कर सकते हैं। बाद में कुछ स्टडीज आई जिन्होंने लैब में ये स्टडी करके शो किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें ये जो वायरस है ये माइक्रो पार्टिकल, जो हम कहते हैं लेस देन 5 माइक्रॉन्स, 2.5 माइक्रॉन्स के छोटे पार्टिकल जो है वो हवा में काफी देर तक रह सकते हैं, एरोसॉल की तरह रह सकते हैं, और तब ये हुआ कि शायद ये एरोसॉल वाला इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसमें डेटा एरोसॉल वाला इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन लोगों को यही लगा कि अगर थोड़ा भी शक है तो हमें ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए कई लोगों, सरकारों ने और हमारी गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी चेंज करके यही कहा कि सब लोगों को एक मास्क या एक फेस कवर डालना चाहिए, जिससे अगर एरोसॉल बन रहे हैं किसी इंसान में जिस बोलने से या आम खांसी करने से भी, तो ये मास्क से प्रोटेक्ट हो जाएंगे और ये आगे नहीं फैलेंगे और इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि इस पे अभी तक क्लियरली कोई डेफिनेट डेटा नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ डेटा ये सजेस्ट करता है कि एरोसॉल जनरेशन नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये डाउट पिछले कुछ दिनों में आया है, इसीलिए पॉलिसी जो है हर जगह यही हुई है कि हम एक क्लॉथ मास्क भी अपने ऊपर डाल लें या मास्क डाल के ही जाएं, जिससे अगर एरोसॉल बन रहा है तो वो आगे ना फैल पाए और हम इसकी कम्युनिटी स्प्रेड या चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक पाए। सवाल नंबर 11, कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर क्या करें? कोरोना वायरस के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको 5 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो उसको आगे कुछ करने की जरूरत है ये नहीं। सबसे पहले तो अगर आप किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हैं तो आपको क्वारंटाइन करना है, सेल्फ क्वारंटाइन करके घर पे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और 2 हफ्ते के लिए करनी है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 5 से 2 हफ्ते तक हो सकता है, 2 से 2 हफ्ते हो सकता है। हो सकता है कि 5 दिन तक आपको कोई लक्षण नहीं हो, 8वें या 9वें दिन भी लक्षण आ सकते हैं, इसलिए 2 हफ्ते तक पूरा क्वारंटाइन करना है। अगर आपको कोई लक्षण आए, बुखार हो, जुकाम, नजला हो, तो आपको तुरंत हेल्पलाइन को कॉन्टैक्ट करना चाहिए और अपना टेस्ट कराना है। सवाल नंबर 12, घर से बाहर निकलने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो ये सबके जहन में ये सवाल है कि जब हम घर आते हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले चीज तो यही मैं कहूंगा कि आप घर आए तो सबसे पहले अच्छी तरह से अपने हाथ धोएं। हाथों में ही इन्फेक्शन आ सकता है और हाथों से ही इन्फेक्शन चेहरे पे जा सकता है, और हाथ जब आप धो रहे हैं तो कम से कम 20 से 30 सेकंड हाथ धोने में लगाएं, जिससे पूरा हाथ के सारे हिस्से में, जैसे हम बार बार समझाते हैं कि पाम में भी, हाथ के पिछले हिस्से में भी,
और उंगलियों के बीच में भी और अंगूठे को भी अच्छी तरह से साबुन से धोएं। आधा मिनट लग सकता है इसमें, तो आप पहले चीज ये करें। जिन लोगों को ज्यादा फिक्र रहता है तो वो अपने जूते भी बाहर निकाल सकते हैं, जिससे शूज अंदर ना लेके जाएं। उसके बाद ये जरूरी है कि आप अच्छी तरह से नहा लें, साबुन के साथ भी अगर आप नहाएंगे तो उसी से वायरस आपके शरीर से निकल जाएगा, कोई डिटॉल या ऐसे साबुन से नहाने की जरूरत नहीं है। कपड़े जो है आम तरीके से आप धो सकते हैं, उसमें कोई स्पेशल डिसइंफेक्टेंट की जरूरत नहीं है, और उसको अगर आप धूप में सुखाएंगे तो वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि हमें प्रिकॉशन ज्यादा रखने की जरूरत है। दूसरी चीज यही है कि आप जो सर्फेसिस हैं जहां पे आपको लगता है लोग ज्यादा आके घर के अंदर टच कर रहे हैं, तो उसको भी एंटीसेप्टिक से साफ रखें, क्लीन रखें, और अपना सोशल डिस्टेंसिंग जो हम कह ही रहे हैं वो जब भी बाहर जाए तो उसका पूरा ध्यान रखें। सवाल नंबर 13, प्लाज्मा थेरेपी से क्या कोरोना का इलाज मुमकिन है? बिल्कुल, प्लाज्मा थेरेपी या कन्वालेसेंट प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं, वो एक पुरानी विधि है, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है, जो पहले भी कई दफा यूज की गई है। इबोला जब आउटब्रेक हुआ था कुछ साल पहले तो भी ये कन्वालेसेंट प्लाज्मा एक ट्रीटमेंट शुरू किया गया था, और कई आउटब्रेक्स में ये यूज किया गया है, चाहे वो इवन पोलियो का आउटब्रेक हो। तो इसका क्या मैकेनिज्म है ये समझना जरूरी है। अगर एक इंसान को कोरोना वायरस होता है तो 80-90% चांस ये है कि वो ठीक हो जाएगा। तो पहला सवाल ये आता है कि वो कैसे ठीक हुआ। वो इसलिए ठीक हुआ कि उसके शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बनी जिन्होंने वायरस के साथ अटैक किया, वायरस के साथ लड़ाई लड़ी, और वो वायरस को अपने शरीर से निकाल पाए। वो एंटीबॉडीज उनके सर्कुलेशन या ब्लड में आ जाती हैं। अगर यही इंसान अपना, जब वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद अपना ब्लड डोनेट करें, तो उस ब्लड में भी वो एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर हम उस ब्लड में से प्लाज्मा निकाल दें तो उस प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज आ जाएंगी, और अगर ये प्लाज्मा हम किसी और पेशेंट जो अभी जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है उसको दें, तो वो एक एंटीबॉडीज उसके शरीर में जाके उस कोरोना वायरस की लड़ाई को उसको हेल्प करेंगी। तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे हम एक जो पेशेंट ठीक हो गया है उसके शरीर से एंटीबॉडीज लेके जो एक पेशेंट जिसको अभी बीमारी है उसमें दे सकते हैं, जिससे उसकी इम्यूनिटी या एबिलिटी टू फाइट द वायरस बढ़ जाएगी। तो ये एक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है जो US में भी 2 सेंटर्स में ट्राई की गई, इंडिया में भी कई सेंटर्स इसके लिए अब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ब्लड डोनेशन, जो लोग ठीक हो जाते हैं और उनका हम एंटीबॉडीज टेस्ट करके देखते हैं कि इनके ब्लड में अच्छी एंटीबॉडीज हैं, उनको आगे आना चाहिए कि हम अपना खून डोनेट करेंगे जिससे किसी और की जान बच जाए। वो ब्लड डोनेट करके उसका फिर टेस्ट होगा कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस तो नहीं है। उसके बाद अगर वो ब्लड ठीक पाया गया तो फिर उसका प्लाज्मा निकाल के फिर वो एक पेशेंट जो ICU में है, जो ज्यादा बीमार है, उसको दिया जा सकता है, और इससे कुछ हद तक रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ट्रीटमेंट ट्राई किया जा रहा है, भारत में भी कई सेंटर्स जो हैं वो इस ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम उस प्रोसेस में हैं कि इसकी क्लियरेंस मिल जाए और पेशेंट से हम ये कॉन्टैक्ट कर पाए कि वो अपना ब्लड डोनेट। सवाल नंबर 14, क्या भारत में टेस्टिंग और कोरोना के इलाज की पर्याप्त इंतजाम है? तो पहले तो टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। टेस्टिंग में जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ी, और टेस्टिंग हम तभी करते हैं जब हम उससे कुछ निर्णय निकालना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। शुरू में जब हमने टेस्टिंग की तो हम ये देखना चाहते थे कि ये जो वायरस बाहर से आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, और इसमें हमारे कंट्री में कोई मिस तो नहीं हो रहा है। तो जो बाहर से लोग आ रहे थे, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स, उनकी टेस्टिंग हो रही थी। उसके बाद हमको ये लगा कि हम ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं जिनको कोरोना वायरस है और सीवियर इन्फेक्शन है। तो हमने जो सारे सारी वाले पेशेंट थे, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिसको हम सारे कहते हैं, उनकी टेस्टिंग शुरू करने की का पूरा जिम्मा उठाया था। अब हम ये देख रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स बन गए हैं और वहां पे ज्यादा टेस्टिंग की जरूरत है, और इसलिए हॉटस्पॉट्स में ये प्लान किया जा रहा है कि जो सारे जो वहां पे लोग हैं जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है या सीवियर इलनेस है, उनकी टेस्टिंग हो जिससे उनका डायग्नोसिस जल्दी हो पाए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाए और उनको हम क्वारंटाइन कर पाए। इसी तरह से टेस्टिंग जो है और एरियाज में भी करना जरूरी है, और वो लैब्स बढ़ाए जा रहे हैं, 200 से ज्यादा लैब्स हो गए हैं। कई और गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी अब लिया जा रहा है लैब सेटअप करने के लिए,
और इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे लैब्स हम ले सकते हैं, कई यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे पूरी लैब रेडी है और वो इस टाइप का काम कर रहे हैं, उनको हम सिर्फ ट्रेन करने की जरूरत है और उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है। लैब्स हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। किट्स भी जो हैं अब काफी हद तक बाहर से आ गए हैं, इसलिए किट्स की भी कोई कमी नहीं है। दूसरा जो हम एक और स्ट्रैटेजी है वो एंटीबॉडी टेस्टिंग है, उसका किट भी अब भारत में आ गया है और वो भी एक स्ट्रैटेजी है जिससे हम ये देख पाएंगे कि किसको इन्फेक्शन होके वो ठीक हो गया है और उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं। तो टेस्टिंग जो है जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से वो रैंप अप की जा रही है, और मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिन में हमारे टेस्टिंग के कई सेंटर्स खुल जाएंगे और टेस्टिंग की फिर एक कमी नहीं होगी। लेकिन ये जरूरी है कि टेस्टिंग तभी की जाए जब उसकी जरूरत हो और उससे कोई हम निर्णय निकाल पाए। सारों का ऐसे ब्लैंक टेस्टिंग करने से हमारे रिसोर्सेज ही वेस्ट होंगे। सवाल नंबर 15, क्या मच्छर काटने से भी होता है कोरोना का संक्रमण? सोशल मीडिया में खबर फैली कि कोरोना का संक्रमण मच्छर काटने से भी होता है। मच्छर डेंगू मलेरिया जैसी कई बीमारियों की जड़ है, तो क्या मच्छर कोरोना के खतरे को भी बढ़ा सकता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कोरोना मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। कोरोना के बढ़ते केस सामने आने के बाद ऐसे कई वायरल मैसेज लोगों को डरा रहे हैं। सवाल नंबर 16, पत्ता गोभी खाने से फैलता है कोरोना का संक्रमण? सोशल मीडिया में WHO के हवाले से ये खबर दी गई कि पत्ता गोभी में कोरोना का वायरस काफी देर तक रहता है, लिहाजा पत्ता गोभी से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है। कोरोना का वायरस किसी भी सतह पर हो सकता है, सिर्फ पत्ता गोभी नहीं, किसी भी सब्जी पर। ऐसे में हर सब्जी को ठीक से धोकर खाएं। WHO ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। कोरोना को लेकर ऐसे कई सारे दावे किए गए हैं, ऐसा ही एक दावा करेंसी को लेकर भी है। सवाल नंबर 17, क्या नोटों से फैलता है कोरोना का संक्रमण? कोरोना काल में लोग करेंसी नोट को छूने से भी डरने लगे हैं, दुकानदार भी डिजिटल लेन देन को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, तो क्या ये दावा ठीक है? करेंसी या कागज का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतें। नोट कई हाथों से गुजरता है, संक्रमित के हाथ से कोरोना का वायरस नोट पर आ सकता है, इसीलिए रिजर्व बैंक ने भी डिजिटल लेन देन की एडवाइजरी जारी की है। इसीलिए सिर्फ नोट ही नहीं बल्कि हर उस चीज को छूने में सतर्कता बरते जिसके बारे में आपको पता नहीं कि किस किस हाथ से ये होकर गुजरी होगी। सवाल नंबर 18, मांस और पोल्ट्री उत्पाद सुरक्षित नहीं? दावा है कि कोरोना वायरस वुहान के वेट मार्केट यानी कि मांस के बाजार से फैला। कोरोना के बढ़ते प्रकोप में ये दावा किया गया कि मांस और पोल्ट्री उत्पाद सुरक्षित नहीं है और इनसे संक्रमण फैलने का खतरा है। ये बीमारी इंसान से इंसान में फैलती है। अब कुछ जानवरों में भी पॉजिटिव केस पाए गए हैं। अगर आप मांस और अंडे को ठीक से पकाकर खाएं तो संक्रमण होने का खतरा नहीं है। कोरोना के इस दौर में इंसान खाने पीने को लेकर बहुत डरने लगा है। हर एक के मन में बस यही सवाल है कि क्या खाया जाए और क्या नहीं, और इसी से जुड़ा है अगला सवाल। सवाल नंबर 19, क्या डिब्बा बंद और आयातित सामान से संक्रमण का खतरा है? जी हाँ, पैक्ड फूड आइटम्स की डिमांड में कमी आने लगी है। सोशल मीडिया में दावा किया गया है कि पैक्ड फूड आइटम से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। WHO ऐसे किसी भी दावे को खारिज करता है। पैक्ड आइटम से संक्रमण की आशंका बहुत कम है। कोरोना को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं और ऐसे ही एक दावे को लेकर लोगों के मन में सवाल है। सवाल नंबर 20, वायरस गर्म जलवायु में जीवित नहीं रहता। ये सच है कि कोरोना का सबसे ज्यादा असर उन देशों पर हुआ है जहां पर मौसम ठंडा रहता है। इटली, अमेरिका जैसे देश इसके सबसे ज्यादा शिकार बने, लेकिन गर्म मौसम में वायरस जीवित नहीं रहता, ये बात गलत है। कोरोना वायरस के कई मामले गर्म जलवायु वाले देशों में भी है। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने इस दावे पर रिसर्च किया और रिसर्च में पाया कि गर्म मौसम में भी वायरस संक्रमण फैलाने में सक्षम साबित हुआ है। कोरोना में जानकारी ही बचाव है, गलत जानकारी आपको खतरे में डाल सकती है, लिहाजा कोरोना का संक्रमण कैसे फैलता है और किससे नहीं, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।